नमस्कार दोस्तों, इस समय चोटी काटने की घटना हमारे देश में आग की तरह फैल चुकी है। ये पूरा मामला क्या है और यह कैसे बंद होगा, ये जानने के लिए प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए। चोटी काटने की घटना को बेहतर तरीके से समझाने के लिए सबसे पहले हम आपको बताएंगे ऐसे पांच मामलों के बारे में जिनकी जाँच पुलिस कर चुकी है। पहला मामला, मुरादनगर के एक गाँव में रविवार को एक महिला ने अपनी चोटी काट ली। बाद में उससे पूछताछ में सामने आया कि उसने मुआवजा लेने के लिए खुद चोटी काट ली। महिला को किसी ने बताया था कि चोटी कटने पर उसे सरकार मुआवजा देगी, इसलिए उसने खुद ही अपनी चोटी काट ली। पुलिस के पूछताछ करने पर महिला ने बताया कि उसकी चोटी किसी ने नहीं काटी बल्कि उसने खुद ही अपनी चोटी काटी थी। दूसरा मामला नोएडा का है, जहां पर भी इस चोटी कटने वाली घटना का राज खुल गया। यहां पर एक लड़के ने अपनी ही दादी की चोटी काट दी। बाद में जब पूछताछ हुई तो पता चला कि पोते ने अपनी दादी की चोटी इसलिए काटी क्योंकि वो मशहूर होना चाहता था। इस लड़के की उम्र सिर्फ 11 साल है। पुलिस ने लड़के और उसके घर वालों को झूठी रिपोर्ट देने के लिए चेतावनी देकर छोड़ दिया। तीसरा मामला, मंडी धनोरा, पुलिस ने एक महिला की चोटी कटने की घटना का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने महिला की शिकायत दर्ज कर जांच की तो महिला का पति ही चोटी काटने का मुजरिम निकला। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर चालान कर दिया है। चौथा मामला, धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे के बाइका बाग कॉलोनी में इस महिला ने खुद ही पत्थर से रगड़ कर अपने बाल काट लिए और शोर मचा दिया। पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। बाड़ी थाना प्रभारी रमेश तंवर ने बताया है कि इस महिला ने खुद के बाल काटने की बात स्वीकार की है। उसने ऐसा बयान भी दिया है, उसने ऐसा इसलिए किया कि उसे ससुराल में कोई तंग नहीं करे। महिला का कहना है कि लोग उसकी बात नहीं सुनते थे, इसलिए उसने ऐसा किया ताकि लोग उससे डरें और उसकी बात माने, इससे वही इलाके में फेमस भी हो जाएगी। पांचवा मामला, ये घटना अंबेडकर नगर की संजय कैंप झुग्गी बस्ती की है। पुलिस को शुक्रवार दोपहर सूचना मिली कि उनकी बहन की किसी ने चोटी काट दी है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया कि 14 साल की लड़की की चोटी कटी हुई है। पुलिस ने जब दोनों भाइयों से सख्ती से पूछताछ की तो उसने स्वीकार कर लिया कि उसने ही अपनी बहन की चोटी काटी है। पुलिस ने बताया कि बच्चों ने मजाक में ऐसा काम कर दिया था, परिजनों ने भी लिखित में मजाक करने की बात कही है। हालांकि कुछ जगह जहां पर चोटियां कटी है वहां एक मैकी नाम का कीड़ा भी मिला है। पुलिस इस पर जांच कर रही है और पता नहीं कब तक जांच करेगी, लेकिन हम आपको साफ साफ बता रहे हैं कि पूरे देश में हो रही चोटी काटने की घटना के पीछे मुख्य रूप से कौन कौन है। एक, महिलाओं में चोटी काटने वाली चुड़ैल का डर बैठ गया है, जिसका फायदा उठाकर आपसी दुश्मनी में भी लोग चोटी काट दे रहे हैं और सदमा लगने के कारण महिलाएं बेहोश हो जा रही है। दो, कुछ बच्चे शरारत में चोटियां काट दे रहे हैं। तीन, कुछ महिलाएं किसी तांत्रिक के कहने पर चोटियां काट रही है। चार, कुछ महिलाएं फेमस होने के लिए चोटियां काट रही है। पांच, कुछ महिलाएं जो मानसिक रूप से कमजोर है वो खुद ही अपनी चोटी काट कर भूल जा रही है। छह, कुछ महिलाएं जो अपने बाल छोटा करना चाहती थी इसे अच्छा मौका समझकर खुद ही अपनी चोटियां काट दे रही है। सात, कुछ महिलाओं को लगता है कि जिसकी चोटी कटी है सरकार उसे पैसा देगी इसलिए वो अपनी चोटियां काट रही है। ऐसे ही और भी कई कारण है जिससे चोटियां कट रही है। भूत प्रेत और चुड़ैल वाली बात सिर्फ और सिर्फ अफवाह है और इस अफवाह को अगर समाप्त करना चाहते हैं तो जहां भी लोग ऐसी बात करें वहां आप लोगों को बताइए कि पूरा सच क्या है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी आएगा, उसे भी दबा दीजिए।